मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत में सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए आज प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया, जिसके चलते पूरे अगवानपुर इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान अगवानपुर पुलिस चौकी की पुलिस भी कब्जा हटवाने में मुस्तैद दिखाई दी। दरअसल सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने काफी सख्त रुख अपनाया, जिसको लेकर लगातार अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद के अगवानपुर इलाके में दो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर आज मौके पर पहुंचकर दो जगह जमीन कब्जा मुक्त कराकर जमीन पर तारबंदी कर दी गई। जिला प्रशासन की टीम पहले सूफियान मोहल्ले के नजदीक नगर पंचायत कार्यालय के पास पहुंची, जहां कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे आज प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर खाली करवा लिया गया। साथ ही एक अन्य जमीन पर खंभा लगाकर जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। हालांकि जमीन पर अपने कब्जे का दावा करते हुए राहिल उल्लाह ने कहा कि वह इस जमीन का असली कब्जेदार है और सिविल कोर्ट मुरादाबाद से मुकदमा जीत चुका है। इससे संबंधित कागजात उसके पास हैं, जिन्हें प्रशासन देखने को तैयार नहीं है, और आरोप लगाते हुए कहा कि जबरदस्ती एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उसकी जमीन को प्रशासन ने गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं एडीएम सदर प्रशांत तिवारी के मुताबिक कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे आज कब्जा मुक्त कराकर जमीन पर तारबंदी करा दी गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास जमीन मालिक होने के कागजात हैं तो वो हमें दिखा सकते हैं। मैं आपका वही सुन रहा हूँ सर। जी बताइएगा, जो आपने कागज दिखा रहे थे, क्या कागज हैं? कागज हमारे पास जो है, इन्होंने हमें नोटिस दिया था, उस नोटिस का हमने इन्हें जवाब दिया और उस नोटिस का इन पर कोई अमल नहीं हुआ, और इन्होंने जो है, मैंने वो कागज दिए जो मुकदमा कोर्ट से हम जीते हुए हैं, सारे कागज दिखाए दिए मैंने इन्हें जो साहब से, और अब जो है ना, इन्होंने ये काम करा और ये मांग रहे थे पैसे, और पहले पैसे ले भी चुके हैं ये। जमीन किसकी है? जमीन हमारी है, में कहीं भी अच्छा समाज दिखाई नहीं दी। तो कोर्ट में मामला चल रहा है जी? कोर्ट में चल, कोर्ट से जीत गया, 2009 में जीत गया। उसके बाद कौन सी कोर्ट से जीते? मुरादाबाद से, दीवानी से, दीवानी से। चलो ठीक है, लाइट बाहर दे देंगे, लाइट सर। आज अगवानपुर में आपके द्वारा जो सरकारी जमीन थी उसे मुक्त कराया गया, कितनी ज़मीनें थी और क्या है पूरा? नगर पंचायत अगवानपुर में यहाँ के अधिशासी अधिकारी द्वारा दो जमीनों पर सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए पिछले दिनों नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के बावजूद भी लोगों ने अपनी ज़मीन से कब्जे नहीं हटाए। एक ज़मीन जैसा कि आप देख रहे हैं नगर पंचायत के बगल में ही, यहाँ पर लोगों ने काफ़ी दिनों से ईंट इकट्ठा कर रखे और उस पर कब्जा है, उसको हटाया जा रहा है। इसके पहले एक और ज़मीन पर अभी तारबंदी कराई गई है, जो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में खार के नाम से दर्ज है, जो श्रेणी 6 की रिजर्व श्रेणी के लैंड है और सड़क के किनारे होने के नाते बहुत बेशकीमती ज़मीन है। सर क्या इसके अलावा और भी इस तरीके के यहाँ अगवानपुर में और प्रकरणों में नोटिस दिए जा चुके हैं? नोटिस की समयावधि अभी पूरी नहीं हुई, बाकी नोटिस की समयावधि पूरी होते हैं उसमें भी नियमानुसार। देखो कितने लोगों को नोटिस यहाँ दिया गया है? इन दोनों प्रकरणों में तो जिनके कब्जे थे उनको नोटिस दिया गया था, इसके और भी जो बाकी जमीन है उनमें भी जितने लोगों ने कब्जे किए हैं सबको संबंधित को अधिशासी अधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं। सर कुछ लोग कागज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पास कागज हैं। हाँ तो इनके जो दस्तावेज जो हैं वो देख लिए जाएंगे। फिलहाल प्रथम दृष्टया ये है कि सारी जमीन सरकारी है, जो रिकॉर्ड में बंजर के नाम दर्ज है या खार के नाम दर्ज है, तो ऐसे जमीन पर किसी और का हक बनता नहीं है, और लेकिन फिर भी जो दस्तावेज दे रहे हैं उनको देख करके उनकी भी जाँच की जाए। दोनों जमीनों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? दो जमीनें, जो एक खार की जमीन है और एक जो नगर पंचायत के कैंपस के बगल में, इन दोनों से कब्जा हटाया जा रहा है। एक जमीन बंजर के नाम दर्ज है, एक जमीन खार के नाम दर्ज है। कोई अपील करना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों से? कुछ क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि किसी के बहकावे में न आए और सरकारी जमीन पर कब्जा कोशिश ना करें। यदि उनके पास घर नहीं है, घर के लिए कोई आवेदन देना चाहते हैं या बहुत गरीब लोग हैं, तो हमारे कार्यालय में नगर पंचायत कार्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अनावश्यक सरकारी जमीन पर किसी के बहकावे में आकर के या कोई सरकारी जमीन इस पर्पज से बेचना चाह रहा हो कि वो सरकारी जमीन नहीं है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि सरकारी जमीन के बगल में सटी हुई प्राइवेट जमीन बेच देते हैं और कब्जा सरकारी जमीन में करा लेते हैं, बाद में बेचारे गरीब फंस जाते हैं। तो ऐसे किसी प्रलोभन में भी नहीं आए, यदि कोई जमीन खरीद भी रहे हैं ऐसी जगहों पर जहाँ सरकारी जमीन सटी हुई, तो एक बार राजस्व कर्मियों से उसकी जाँच पड़ताल कर लें। इस तरह के प्रॉपर्टी के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, ऐसे प्रकरणों को चिन्हित किया जा रहा है। अभी पीछे एक प्रकरण चिन्हित किया गया था जो इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, भगतपुर से संबंधित है, उसमें भी एफआईआर करने के लिए हमने निर्देश दिए।